वो अलग मैप डाल दिया है। सो 14 किलोमीटर सेज 13 घंटा 26 मिनट। तो मैं फिलहाल हूँ रॉन्ग साइड पे। पीछे हवा वाला दिखा तो है मुझे, अब पता नहीं वहाँ कोई है कि नहीं, क्योंकि पूरा खाली था ये तो। दोस्त, ओ दोस्त, ओ भाई, अरे कौन, हवा भर दियो, हवा भाई, नींद में ही है पूरा है भाई, भर लूँ? ठीक है भाई, भर लेंगे अपन तो, पेट्रोल तो चल जाएगा, पेट्रोल की दिक्कत नहीं है। अरे यार ये तो बहुत लंबे वाला है, ये तो बराबर बैठेगा भी नहीं, कैसे बैठेगा, कहीं भरने की जगह निकल ना जाए भाई। ओ भाई सुनना दोस्त, अरे उसका वो लोहे का जो लंबा है वो बाइक में पीछे लग नहीं रहा है उसमें, रोड जाओ तो मस्त देख लेगा क्या भाई, एक मिनट साला इतना हराम ही है, कहने की बात भी नहीं उठ रहा है, क्या जुगाड़ करूं। कहीं और ही भरवानी पड़ेगी इसको, इतना कहने के बाद भी नहीं उठ रहा है यार। चलो भाई आगे कोई देखेंगे, मेरे को 2 या 3 पेट्रोल पंप दिखे अभी तक और सब के सब बंद है, इसलिए नाइट राइड जो होती है रिस्की होती है छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। तो एक पेट्रोल पंप तो मिला है ये जिस पे, बाकी तो पूरा बंद पड़ा है, कोई नहीं है, लेकिन बस ये चालू है। तो पहले आगे वाले में भर के देखेंगे, क्योंकि आगे वाले में ठीक है वहाँ, मालूम पड़ा पीछे डायरेक्ट लगा और ये नहीं रहेगा इसके अंदर, हुआ तो थोड़ी बहुत और निकल जाएगी। तो भाई अपना वाला रोड है, मैं सर्विस रोड लेकर नीचे से सर्वे से फिर से आया यहाँ पे, मुझे उस तरफ से दिख गया था टायर वाला, ऊपर गया ऊपर गया। हाँ यार भाई भी सो रहे थे, इनको ज़बरदस्ती उठाया यार, हवा की दिक्कत है। 27 कर देना आगे, इसमें 31 कर देना, इसमें तो हवा ही नहीं है, पूरा बैठा है वो टायर। हाँ हवा लग रही है टायरों पीछे, पता चलता बैठते ही, चलना पड़ेगा रॉन्ग साइड में, क्या करें। अभी अपन भगा सकते हैं आराम से, टेंशन नहीं है, और ये रोड बहुत अच्छा है, नया बना है बाय द वे, मतलब हो गया टाइम, इतना भी नया नहीं है। ठंडी है भाई, ठंडी है, फिंगर नम हो चुकी हैं, और पहले से स्पीड ज़्यादा लेके चल रहा हूँ मैं, 84-90, और ज़्यादा लग रही है। मस्त है ये वाला घाट एरिया, ड्राइव ऑनली इन सेकेंड गियर, मतलब खासकर ट्रक वालों के लिए होगा, क्योंकि कहीं उतरना पड़ रहा है कहीं चढ़ना पड़ रहा है, शायद इस वजह से लिखा है। ऐसा हल्का हल्का दिन निकल गया है, शायद 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा हो।
तो भाई लोग 700 का पेट्रोल डलवा रहा हूँ। सो पेट्रोल का रेट है 97.35, जो ठीक है, 7.19 लीटर पेट्रोल है टोटल। और सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे इन्होंने एलियन को देख लिया, वो बात ही कर रहे थे मेरे बारे में एक्चुअली। सब लोग देख रहे हैं अजीब सा लगता है जब आपको सब लोग घूरते रहते हैं तो। पेट्रोल तो भर लिया, अभी फट से मुझे खाना है। जिप तो ढंग से नहीं, वॉलेट खुल रहा है, यही प्रॉब्लम होती है सेट पॉज बैग में, यही प्रॉब्लम है। हेलमेट लगी रहती है ना तो मुझे ढंग से दिखता नहीं है वो बैग। हाँ, मिरर को नीचे करो, अब देखो एंड देन यू लॉक इट लाइक दिस। मुझे यहाँ पे गूगल मैप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, स्ट्रेट निकलते चले जाना है नडियाड तक के लिए। ब्रेकर, एक ब्रेकर है ना पीछे, बहुत ज़ोर से उड़ाया था, बहुत ज़ोर से, मुझे रिम का डर लगता रहता है इस किस में। ये कोई दूसरा स्टेट हाईवे है जो यहाँ कनेक्ट होता है, वो क्या श्यामला जी, सो लेफ्ट में श्यामला जी का रूट है। ओहो पुलिस, आर्मी लग रही है, पुलिस नहीं है। वो लोग कारें बैठे, लोग क्यूरियोसिटी के साथ मुझे देखते हुए, एलियन के जैसा दिखूंगा तो सब लोग देखेंगे ही मुझे। तो ये अपना ब्रेकफास्ट हो गया और टाइम हुआ है 8:20 और ये तो होटल हाईवे, मसाला डोसा और दो चाय। चाय मतलब मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने दो ली चाय, और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अगर मैं गुजरात से यहाँ जा रहा था मुंबई, शायद मैं दिल्ली आया था, पता नहीं कहाँ, मुझे याद नहीं है फिलहाल, तभी मैंने इस होटल में स्टे किया था। राइट, काशी इस जगह का नाम है, शायद काशी या काशी कुछ ऐसा नाम है इसका। मोस्ट 45 मिनट्स हो गए मुझे, क्योंकि मैंने मसाला डोसे का ऑर्डर दिया था, तो मेरा ही पहला ऑर्डर था जो मसाला डोसे का था, तो तवा जो होता है उसको गर्म होने में टाइम लग रहा था, इसलिए ओवरऑल टाइम लग गया। रोड तो अच्छा है यार, चलाने में मज़ा आ रहा है, बस थोड़ा बीच में जब गाँव आते हैं तो ब्रेकर आते हैं ना, बस वो थोड़ा सा परेशान करते हैं। दिन निकल गया ना अभी पूरा, लोग रोड पर आ गए, बहुत टाइम जा रहे हैं क्रॉस करने में। मैं तो अभी कैमरा लेट चालू किया है। तो भाई लोग, जो प्लान कर रहा था वैसे रूट नहीं मिला, ये भी रोड ख़राब है। जो पहले से हाईवे चल रहा था ना, शायद वो उधर वाला हाईवे है। हाँ, तो गूगल आंटी ने टाइम बचाने के लिए मुझे SH-59 से SH-88 और 189 समथिंग कुछ नंबर था इसका, उस पर डाल दिया। तो मैं स्ट्रेट ही आ रहा था, इसने बोले नहीं लेफ्ट ले ले छोटा पड़ेगा, तो इसने मेरे को उस पर डाल दिया। हाँ शायद डिस्टेंस कम हुआ रहेगा, लेकिन रोड ख़राब था ये बहुत। ये भी मैं चले जा रहा हूँ यार, गूगल आंटी कुछ बोल नहीं रही है, अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सा रोड लेके चल रहा है। डकोर नडियाड रोड ही है तो वैसे तो, तो और अंदर गुजरात में नवापुरा, ये तो NH कौन सा है, NH नहीं है, वापस SH ही चल रहा है, ये कहाँ निकालेगा मुझे, ये वासड़ गोडोदरा निकालेगा। ओके NH को ज्वाइन कर लेगा ये, नीचे चला जाएगा, मुझे ब्रिज पकड़ना पड़ेगा, मतलब मुझे फ्लाईओवर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है कोई नहीं, कोई बात नहीं, गूगल आई एम फॉलोइंग यू। अभी मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ये, इस ट्रिप में
ऐसा लग रहा है कि आपसे ज़्यादा रोड ना फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से घुसड़ रहा है यार, पता नहीं इस रोड पे कभी बाइक आते भी नहीं आते हैं कि सब हर कोई ना NH प्रेफर करता है। मैं भी वही करता हूँ, लेकिन आज गूगल के बहकावे में आ गया मैं। अच्छा हुआ मैं रात में नहीं आया, क्योंकि मैं कुछ रोड तो खुद कवर करता और कुछ गूगल के भरोसे रहता, गेम हो जाता पूरा। तो भाई लोग फाइनली अपना स्टेट हाईवे का सफ़र ख़त्म हो गया, और लकीली NH मिल गया। अब फ्यूचर में एक चीज़ ध्यान रखनी है मुझे, जब भी मैप देखूँगा स्टेट हाईवे और NH का देख के, प्लस बाइक मोड और कार मोड देख के ही कंपेयर करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कार मोड में वो शायद बड़े बड़े रोड, चौड़े रोड बताएगा, क्योंकि कार के लिए वैसे रोड ज़रूरी है। तो स्टेट हाईवेज़ को अप टू सम लेवल वो स्किप करेगा, बाइक मोड में तो उसे बाइक चलने जितनी जल्दी इतनी सी गली भी दिखेगी ना उसको भी डाल देता है वो बाइक मोड में बाइक को। तो वो एक छोटा सा है जो भी नेक्स्ट टाइम अभी अपना एक्सपेरिमेंट में याद रखूँगा। तो भाई ऐसे कुछ 2-3 मिनट का ब्रेक लिया था इधर, 2-3 मिनट के अभी 10 मिनट हो गए रहेंगे, 10-15 मिनट। ओके लग गया, इसमें मैंने चेन लूप की है पूरी, जो भी कपड़े थे सब निकाल दिए गर्मी वाले, मतलब ठंडी वाले, वो सबको फिर से बंजी कॉर्ड के अंदर बांध दिया है। हल्का सा टिल्ट है वन साइड, और दैट वुड बी फाइन, हाईवे बहुत अच्छा है अभी आगे तो वो इशू नहीं होगा, और अभी चलेंगे। ऊपर एक्सप्रेसवे है, वो बड़ोदरा का साइन दिख रहा है वहाँ पे, मतलब ये बड़ोदरा है अपना इस साइड में, 19 किलोमीटर मतलब यहाँ से अंदर कहीं है, और आगे भी शायद रहेगा। तो भाई लोग ये है गोदावरी रिवर, जितना मुझे पता हो रही है गोदावरी रिवर वे ब्रिज, जो गुजरात का फेमस ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज है ये भी। वो तो रिवर काफ़ी बड़ी है, चौड़ी है, मस्त दिख रही है, देखो आपको भी दिख रही होगी, मुझे तो दिख रही है। खड़ों के बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है। तो चलो बैठ जाते हैं, चलते हैं आगे, और थोड़ी बहुत देर में अपन भरूच पहुँचेंगे। भरूच ट्रैफिक यार कहीं कहीं पे तो बहुत हल्का हो जाता है, फिर से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। और ये जो ट्रैफिक का सिलसिला है ये चलेगा सूरत तक, सूरत तक अच्छे खासे ट्रक रहेंगे अपने रास्ते में। चलो यहीं रुक जाते हैं, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, गर्मी ज़्यादा लग रही है मेरे को। खाने का जब देखेंगे थोड़ा बॉडी को तो आराम दे रहा बाइक को। मुझे तो बाद में चने भी अपने पास, चैलेंज की जरूरत ही ना पड़े, बहुत बड़े काम कर रहे हैं। तो भाई लोग अपन सूरत पहुंच गए, तो ये सूरत, और जितना भी ट्रैफिक था आई होप ये कुछ हद तक कम हो जाएगा, काफ़ी ट्रैफिक रहा है अभी तक। और सूरत जब भी आते हैं तो ट्रैफिक हमेशा मिलता ही है। लास्ट घंटी बची थी, देखते कितना पेट्रोल रहेगा, पूरा मुँह तक भर गया अब तो। अभी 900 ही हो गया। तो भाई लोग ये है गुजरात चेक पोस्ट, और अपन ने वहाँ पे अभी सब कुछ क्रॉस कर दिया। अभी आगे थोड़ा सा जो पैच आएगा वो नो मैंस लैंड वाला हिसाब है, जो मुझे लगता है हमेशा, क्योंकि महाराष्ट्र का जो चेक पोस्ट है काफ़ी टाइम के बाद आता है, तो इसलिए बीच में कुछ पता समझ में नहीं आता कि वो कौन से स्टेट के अंडर आती है जगह, मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता। वो चनेक्स ही करना है, चनेक्स मिल जाएगा इस पर शायद, जो मुझे चाहिए छोटा मोटा ही सही। 153 किलोमीटर्स आफ्टर 404, सो 557
मतलब 550 किलोमीटर सिंस मॉर्निंग। एवरेज तो पता नहीं क्या निकलेगा, मुंबई में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घुसूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फाउंटेन होटल है उसमें बहुत रश रहता है और मजबूत रश रहता है। तो भाई लोग यहाँ एक सैंडविच खाया और एक चाय। सैंडविच कॉस्टेड मी 100 रुपीज़, बहुत महंगा सैंडविच है बट ठीक है, अच्छा था क्वालिटी, लेकिन मतलब आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होगा ऐसा कुछ इतना महंगा खा के। बाकी सब लोग मुझे बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखते हुए, जैसे वही पुराने वाली बात मेरी, एलियन देख लिया। ओके एक चीज़ रह गई, मेरा गॉगल रखा था। ओह से बड़ी यू स्टिल देयर, मुझे तो लगा तो गिर गया होगा। बैक ऑन हाईवे, मुंबई इज 165 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। हे भगवान, कब होगी पूरी दूरी ये? और टाइम हुआ है 4:08। तो भाई लोग रीच टू द कॉलोनी, डिस्टेंस 309.6, मतलब 310 पकड़ लो राउंड फिगर करके, और 404 वो था, 714 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है टोटल आज के दिन। सो स्टिल 40 का माइलेज, ऑसम। सिटी का ट्रैफिक पकड़ने के बाद ही 40 का माइलेज, विच इज़ प्रिटी गुड। ओके भाई लोग, उम्मीद आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं मिलूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त है, मैं आपको खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, एंड सेफ, बाय बाय।